सीट बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलग अलग रास्तों के बीच ही दोनों के बीच बातचीत भी जारी है और सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के लिए कुछ फॉर्मूले के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया में हुए बिखराव के बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर अब भी संपर्क बना हुआ है। पंजाब से पहले ही आम आदमी पार्टी अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन दिल्ली को लेकर कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले ऐलान कर चुके हैं कि दिल्ली की सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी जीतेगी। दिल्ली के लोगों ने ठान लिया, सातों की सातों सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की सभी 7 सीटों को लेकर 4-3 फार्मूले पर बातचीत हो रही है। पंजाब में केरल की तर्ज पर अलग अलग लड़ने का फैसला हुआ है। हालांकि चंडीगढ़ की सीट पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस का समर्थन चाहती है। गुजरात की भरूच सीट को लेकर भी कांग्रेस और आप में बातचीत हो रही है। भरूच सीट पर कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज का दावा है। हालांकि भरूच सीट पर आप ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में मंथन का दौर चल रहा है। अगर पंजाब में चंडीगढ़ सीट पर आपको समर्थन देती है तो पूरे पंजाब की 13 सीटों पर कांग्रेस समर्थकों में गलत संदेश जा सकता है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक बार फिर पूछताछ के लिए समन भेजा है। सवाल जवाब के लिए ईडी ने केजरीवाल को 19 फरवरी को बुलाया है। ईडी के समन को लेकर केजरीवाल बार बार मोदी सरकार पर परेशान करने का आरोप लगाते आ रहे हैं। केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ईडी के समन को ही गैर कानूनी बताते हैं। बार बार केजरीवाल के पेश नहीं होने पर ईडी ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, जहां से केजरीवाल को झटका लगा है। दिल्ली के राउज अवेनी कोर्ट ने ईडी के समन पर पेश नहीं होने पर केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस भी जारी किया है। केजरीवाल को ईडी ने 6 समन भेजा है। इससे पहले 5 समन पर वो एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। नए समन के मुताबिक केजरीवाल को 19 फरवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। केजरीवाल को पहला समन पिछले साल 2 नवंबर के लिए भेजा गया था, जबकि दूसरा समन 21 दिसंबर के लिए भेजा गया। तीसरा समन पिछले महीने 3 जनवरी के लिए भेजा गया था। चौथा समन 17 जनवरी और पांचवा समन 2 फरवरी को भेजा गया था। आम आदमी पार्टी ने ईडी पर भी गवाहों से झूठे बयान दर्ज करने के आरोप लगाए हैं। केजरीवाल भले अब तक बार बार पेश होने से बचते रहे हैं, लेकिन कोर्ट की ओर से नोटिस जारी होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से जेल में बंद हैं।